2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना, ये चाहे वो MSP की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। Women dignity हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, OBC, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ है जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय।